24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बीते छात्रा कीर्ति सिंह ऑटो पर किनारे की तरफ बैठी हुई थी, लुटेरों की नजर उसके मोबाइल पर थी। वो दुपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की फिराक में थे। इसी बीच डासना फ्लाईओवर के पास बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति ने पूरी ताकत से विरोध किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लुटेरों से भिड़ने वाली बीटेक छात्रा कीर्ति सिंह जिंदगी की जंग हार गई। कीर्ति के साथ चलने वाले ऑटो में लूटपाट की कोशिश हुई थी बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन कीर्ति ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया। उसने आसानी से बदमाशों को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया था। आइए जानते हैं छात्रा बीटेक की दिलेरी की कहानी। दरअसल कीर्ति सिंह गाजियाबाद के एबीसी कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वो हापुड़ जिले स्थित में अपने घर से रोजाना गाजियाबाद कॉलेज आती थी। बीते 27 अक्टूबर को भी कीर्ति हमेशा की तरह कॉलेज आई थी और दोपहर बाद जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में दो बाइक सवार लुटेरे उसके पीछे लग गए। कीर्ति ऑटो पर किनारे की तरफ बैठी हुई थी, लुटेरे की नजर उसके मोबाइल पर थी। वो दुपट्टा मारकर मोबाइल छीनने की फिराक में थे। इसी बीच मसूरी थाना क्षेत्र के डासना फ्लाईओवर के पास NH9 पर बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। कीर्ति ने पूरी ताकत से विरोध किया। कीर्ति ने मोबाइल नहीं छोड़ा तो बदमाशों ने झटका देकर उसे ऑटो से नीचे घसीट लिया। कीर्ति 15 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही, फिर भी उसने हार नहीं मानी। लुटेरे उसे कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गए। आखिरी तक कीर्ति बाइक सवार लुटेरे से लोहा लेती रही। इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोटें आई हुई थी, वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसके पास और उसके संग चलने वाली उसकी सहेली उसे अस्पताल पहुंचाया और घर वालों को सूचना दी। कीर्ति सिंह के शरीर में 2 फ्रैक्चर हुए थे, सिर में भी गंभीर चोटें आई हुई थी। ऑटो से सिर के बल गिरने के कारण सिर की हड्डी भी टूट गई थी। वो ICU में भर्ती थी। कीर्ति ने अस्पताल में 48 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ी, मगर वो ये जंग हार गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लुटेरों की तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस ने शनिवार शाम एक आरोपी बोबिल उर्फ बलवीर को गिरफ्तार कर लिया है, मगर इस दौरान दूसरा बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू भाग निकला था। आज तड़के पुलिस और जितेंद्र के बीच भी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जितेंद्र घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जितेंद्र के खिलाफ पुलिस में 23 केस दर्ज है, गैंगस्टर का मुकदमा भी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट समेत कई गंभीर मामले दर्ज है। छात्रा से लूट के मामले में फरार होने के बाद उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। उधर इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने पर SHO को सस्पेंड किया गया और 2 इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया जा चुका है। कीर्ति हापुड़ की रहने वाली थी, वो इंजीनियर बनने का सपना लेकर गाजियाबाद पहुंची थी। 1 महीने पहले ही ABES इंजीनियर कॉलेज में BTech में एडमिशन लिया था, लेकिन 27 अक्टूबर की शाम कीर्ति की जिंदगी में मनहूस समय लेकर आई। लूट के दौरान वो घायल हो गई और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। बेटी इंजीनियर बनना चाहती थी, शुरू से पढ़ाई में तेज थी, लेकिन गाजियाबाद के अच्छे कॉलेज में भी उसकी एडमिशन मिलने के बावजूद मनचाही स्ट्रीम भी उसे मिल गई थी, लेकिन आखिर उसे मौत के हवाले कर दिया गया। घर वालों की मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वारदात की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए GBA 24 न्यूज़।